त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन मतगणना में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन कार्मिकों को गुरुवार को योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि 2 मई को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान के पदों के चुनाव की मतगणना की जाएगी। मतगणना में कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनको पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण 3 शिफ्ट में बुधवार से शुरू हुआ, जो कि शनिवार तक चलेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 750 काउंटिंग पार्टी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो प्रत्येक शिफ्ट 2 घंटों का है। उन्होंने बताया कि कार्मिकों को मतगणना के दिन मतपत्रों को खोलना, निकालना तथा बंद करना एवं मतगणना करना, मतगणना का रिजल्ट घोषित करके ARO टेबल तक पहुंचाना सहित सभी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कार्मिक 2 मई को सुबह 7 बजे अपने विकास खंड पर पहुंचकर मतगणना शुरू कर देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, पर्यवेक्षक है उनको केवल 4 प्रारूप भरने हैं, 4 प्रारूप भरना है। चारों प्रारूप के बारे में हमारे यही साहब आपको बताएंगे, 4 के सिवा कुछ नहीं है। 1 ग्राम प्रधान के लिए, 1 ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए 1 प्रारूप आपको भरने हैं। और जितने भी हमारे गणना पर्यवेक्षक है, शायद उनको कुछ पुस्तिका मिली है नहीं मिली है, आज नहीं मिली है। तो हमारे इस में अनुरोध कर रहा हूँ कि आपको जो है उस जो प्रारूप है उसमें क्या क्या है, कोई विशेष खास नहीं है। ऊपर तो वही है सामान्य निर्वाचन, और उसके बारे में यही हिसाब से अनुरोध है कि आप लोगों को जो खास करके काउंटर सुपरवाइजर है उनको अपने अपने टेबल से संबंधित जो फॉर्मेट तैयार करना है। जैसा कि सर ने बताया कि एक ARO का कक्ष है और उस ARO से संबंधित जो भी न्याय पंचायत अलाट है उस ARO और उस न्याय पंचायत की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं और उन ग्राम पंचायतों के विभिन्न बूथों पर जितने भी मतपेटियां हैं, वो सारी मतपेटियां माने उस पूरे न्याय पंचायत की मतपेटियां उस ARO के कक्ष में आप ही लोगों के टेबल पर आएगी। जो सुबह आप जब 7 बजे पहुंचेंगे तो ठीक उसी समय आपको पता चल जाएगा कि किस ARO के कक्ष में आपको ड्यूटी करनी है और उस ARO के कक्ष में किस टेबल पर आपकी टीम की ड्यूटी लगी है। आपकी जो पोलिंग काउंटिंग पार्टी है वो टेबल वाइज निर्धारित की गई है उस ARO के कक्ष में। तो अपना अपना जरूर निर्धारण कर लें कि हमारी जो काउंटिंग पार्टी है वो टेबल नंबर 1 के लिए है या टेबल नंबर 2 के लिए है या टेबल नंबर 3 या टेबल नंबर 4 के लिए है। आपकी पूरी काउंटिंग पार्टी एक ही टेबल की प्रभारी है, उसी टेबल पर बैठेगी। उसमें जो टेबल नंबर 1 है वो ग्राम पंचायत सदस्यों के मतपत्रों को गिनने के लिए है। तो जाहिर है कि जो टीम को मेज नंबर 1 पर बैठाया गया है वो पूरे सुबह से लेकर के शाम 8 बजे तक या शाम के 8 बजे से लेकर सुबह दूसरे दिन के 8 बजे तक उसी टेबल के बस प्रभारी रहेंगे। तो इस प्रकार एक काउंटिंग सुपरवाइजर ग्राम पंचायत सदस्य के लिए दिया जा रहा है, एक काउंटिंग सुपरवाइजर ग्राम प्रधान पद के लिए दिया जा रहा है और एक काउंटिंग सुपरवाइजर का निर्धारण क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए किया गया है और एक जो चौथा आपका टेबल है वो जिला पंचायत के लिए है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अवैध मतों का जहाँ तक सवाल है, मान लीजिए कोई आप जिस समय प्रत्याशी वार सार्टिंग कर रहे हैं टेबल नंबर 1 पर सारे सफ़ेद रंग के मतपत्र आ जाएंगे, होना क्या वहाँ पर कि जैसे मतपेटी आई तो बीच में सारे ये टेबल ऐसे ही सटे लगे हैं, ये नहीं कि कोई अलग अलग है। ये टेबल नंबर 1 है, इधर टेबल नंबर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है और बीच में एक टेबल है, उसी बीच वाले पर सारे मतपेटी के मतपत्र निकाले जाएंगे। और निकालने के बाद जैसा आपने बताया कि पहले उनकी सॉर्टिंग करनी है पदवार, माने सफ़ेद वाले, जैसे मान लीजिए 4 नंबर टेबल पर भी 4 लोग बैठे हैं तो उसमें से एक आदमी सफ़ेद वाला छांट ले, एक आदमी ग्रीन वाला छांट ले, एक लाल वाला छांट ले, एक नीला वाला छांट ले। उसी तरह टेबल नंबर 3 का भी करेगा, उसी तरह टेबल नंबर 1 का भी करेगा और उसी तरह टेबल नंबर 2 का भी करेगा। तो ये जितने हर टेबल पर सफ़ेद सफ़ेद वाले हैं
ये टेबल नंबर 2 से, टेबल नंबर 3 से, टेबल नंबर 4 से सफेद वाले टेबल नंबर 1 पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और जो टेबल नंबर 1 पर हरे रंग का है, टेबल नंबर 3 पर हरे रंग का है, टेबल नंबर 4 पर हरे रंग का है, ये सारे टेबल नंबर 2 पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसी तरह नीले रंग के टेबल नंबर 1 से, टेबल नंबर 2 से, टेबल नंबर 4 से टेबल नंबर 3 पर ट्रांसफर किए जाएंगे, और टेबल नंबर 4 पर सारे पिंक वाले आ जाएंगे। तो इस प्रकार पदवार आपने छंटनी कर रखी है। अब मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत के किसी बूथ पर ग्राम पंचायत के 2 वार्डों का चुनाव हुआ है, तो इनकी छंटनी कैसे करनी है आपको पलट के करिए, उल्टा करके बैलेट पेपर, तो आपको पता है कि पीछे सुभिन्नर चिन्ह वाली मुहर लगी है और उसमें वार्ड नंबर प्रिंटेड लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगी कि वार्ड नंबर 6 पर ये हैं और 8 पर ये हैं, और बाकी वार्ड में कोई मतदान हुआ ही नहीं है तो उनका मिलेगा ही नहीं आपको। नंबर 1 में प्रत्याशी नंबर 1 को जितने मत मिले होंगे वो सारे 1 में रखे जाएंगे, 2 को जितने मिले होंगे सारे वो 1 में रखे जाएंगे, 3 के पक्ष में जितने मिले होंगे, और फिर जब सारे कर लेंगे तो फिर उनका भी 50-50 का। मैं मनोज कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग से, और आज मैं यहाँ मतगणना प्रशिक्षक की भूमिका में, जो गोरखपुर जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 के मत 15 मई को पड़े थे, उन्हीं की मतगणना 2 मई 2021 को निर्धारित समय 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। उसी के क्रम में जितने मतदान कार्मिक मतगणना कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है उनका विस्तृत यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 2 मई को जाकर के काउंटिंग का काम करेंगे। कितने शिफ्टों में तैयारी? प्रतिदिन 3 शिफ्टों में यहाँ पर ट्रेनिंग चलाई जा रही है, प्रति शिफ्ट कुल 250 पोलिंग काउंटिंग पार्टी आ रही हैं, एक काउंटिंग पार्टी 1+3 बेस पे है, एक गणना सुपरवाइजर और 3 काउंटिंग असिस्टेंट। इस तरह से प्रतिदिन इस सेंटर पर 750 काउंटिंग पार्टी को ड्यूटी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या क्या जानकारी दी है वहाँ पर? यही कि वहाँ पर मतों की सॉर्टिंग कैसे करनी है, फिर प्रत्याशी वार कैसे काउंटिंग उनको करनी है, और संबंधित क्या फॉर्मेट हैं जिसमें वो मतगणना का रिजल्ट उनको दर्ज करके ERO टेबल तक पहुँचाना है, इतनी जानकारी यहाँ पर इनसे रिलेटेड है वही दी जा रही है।